बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तखार भट्ट। आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट टू का लेक्चर नंबर 40 डिस्कस करेंगे और आज का हमारा लेक्चर है क्यूरीज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। क्यूरीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। इससे पहले पहला ऑब्जेक्ट हमने टेबल था वो पढ़ चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैं सिर्फ आपको क्यूरीज के बारे में बताऊंगा कि क्यूरीज क्या होती हैं और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसको प्रैक्टिकली किस तरह से बनाया जाता है। क्यूरीज की डेफिनेशन के कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि क्यूरी असल में क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं जिसका मकसद किसी भी एक टेबल या एक से ज्यादा टेबल्स में से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को रिट्रीव या रिकॉल करना होता है। देखिए, आप टेबल जब बनाते हैं तो टेबल बनाने का बुनियादी मकसद होता है उसमें डेटा को स्टोर करना किसी भी एंटिटी के मुतालिक। अब आप उस टेबल या टेबल्स में से ज्यादा टेबल भी हो सकते हैं, एक टेबल भी हो सकता है, अपनी मर्जी के मुताबिक रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्यूरी की जरूरत पड़ेगी, क्यूरी को बनाना पड़ेगा। क्यूरीज बेसिकली जो है वो यूज तो डेटा रिट्रीव करने के लिए की जाती है, लेकिन इसकी मदद से आप डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड्स की सॉर्टिंग का काम भी ले सकते हैं। जब आप टेबल में डेटा को अपडेट करते हैं, यानी आपने जो टेबल बनाया था उसमें जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें आपने किसी किस्म की अपडेशन की है, रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, रिकॉर्ड को चेंज कर दिया, ठीक है, रिकॉर्ड ऐड कर दिया, तो इसके साथ साथ क्यूरीज भी खुद ब खुद अपडेट हो जाती हैं। यानी आपको एक दफ़ा क्यूरी बनाने के बाद उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही टेबल में रिकॉर्ड अपडेट होता जाएगा वो क्यूरी के अंदर भी ऑटोमेटिकली अपडेशन होती जाएगी। ये याद रखिएगा कि जब आप क्यूरी का आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट इसका हमेशा टेबल की शक्ल में आता है। उसके आउटपुट को देख कर आपने कन्फ्यूज नहीं होना कि ये टेबल कहाँ से आ गया। असल में क्यूरी जब हम शो करते हैं उसका आउटपुट देखते हैं तो क्यूरी का जो आउटपुट होता है वो एक टेबल की फॉर्म में ही आता है और जो आउटपुट क्यूरी हमें देती है उस आउटपुट को डायनासेट कहा जाता है, यानी डायनामिक सबसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, अक्सर ये पेपर में आता है कि व्हाट इज डायनासेट। तो याद रखिएगा क्यूरी का जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को, उन रिकॉर्ड्स को जो क्यूरी की स्टेटमेंट लगाने के बाद आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं उसे डायनासेट कहा जाता है। तो ये पांच पॉइंट्स हैं जो आपने क्यूरीज की डेफिनेशन के लिए याद करने हैं। अब क्यूरीज कितनी किस्म की होती हैं? बेसिकली क्यूरीज चार किस्म की होती हैं। एक होती है सिलेक्ट क्यूरीज, दूसरी होती है एक्शन क्यूरीज। अब एक्शन क्यूरीज की भी फर्दर तीन टाइप्स आ जाती हैं। पहली है डिलीट क्यूरीज, दूसरी है अपडेट क्यूरीज और तीसरी है अपेंड क्यूरीज। ये तीनों टाइप्स हैं एक्शन क्यूरीज की। इसके बाद आती है क्रॉस टैब क्यूरीज और फिर पैरामेट्रिक क्यूरीज। ये आपके सिलेबस के मुताबिक मैंने क्यूरीज की टाइप्स आपको बता दी हैं। अब एक एक करके इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिकली इनको हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारी क्यूरीज बनाई जाएंगी। तो सबसे पहले है सिलेक्ट क्यूरीज। सिलेक्ट क्यूरी जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि आपने किसी टेबल या टेबल्स में से रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना हो, रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना हो तो जो क्यूरी बनाई जाती है उसको सिलेक्ट क्यूरी कहते हैं और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली यही क्यूरी होती है। अगर आपने एक या एक से ज्यादा टेबल्स में से अपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया के मुताबिक रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है, उसको डिस्प्ले करना है, उसको सिलेक्ट करना है तो ऐसी क्यूरी को सिलेक्ट क्यूरी कहा जाता है और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्यूरी यही है। जब टेबल में से रिकॉर्ड को अपडेट होता है तो सिलेक्ट क्यूरी में भी ऑटोमेटिकली वो डेटा अपडेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्शन क्यूरीज। आप टेबल पर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे डेटा को डिलीट करना, डेटा में अपडेट करना या डेटा को ऐड करवाना टेबल के अंदर, तो ये काम भी आप क्यूरीज की मदद से कर सकते हैं। अगर आप डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स को टेबल में से डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक क्यूरी बना सकते हैं और वो क्यूरी कहलाती है डिलीट क्यूरीज। और अपडेट क्यूरीज की मदद से आप
टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। इसके नाम से आपको बात समझने में आसानी हो जाती है। अपडेट का मतलब होता है चेंज करना, तब्दीली लेकर आना, उसमें अपग्रेडेशन करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना। तो क्यूरी की मदद से आप टेबल में मौजूद या टेबल्स में मौजूद रिकॉर्ड्स को या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को अपडेट भी कर सकते हैं। और अगर आपने किसी टेबल या टेबल्स में मजीद कोई रिकॉर्ड्स ऐड करने हो तो उसके लिए जो क्यूरी बनाई जाती है वो कहलाती है अपेंड क्यूरीज। तो ये एक्शन क्यूरीज की फर्दर तीन टाइप्स होती हैं। यानी हमने कोई भी एक्शन टेबल पे परफॉर्म करना हो, चाहे वो डिलीट करने का हो, चाहे वो रिकॉर्ड में अपडेट करने का हो, या टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स ऐड करने का हो, उसके लिए ये आप क्यूरीज बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस टैब क्यूरीज। समटाइम हमें टेबल में कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ती हैं, डेटा का स्ट्रक्चर जो है उसको दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसके लिए जो क्यूरी बनाई जाती है वो कहलाती है क्रॉस टैब क्यूरी। जैसे आप टेबल में स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट कर देते हैं और आप ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स का हम टोटल कैलकुलेट कर लें, एवरेज कैलकुलेट कर लें, काउंट कर लें, या कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं अपने डेटा के ऊपर, उसके लिए क्रॉस टैब क्यूरीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रहे, क्रॉस टैब क्यूरी बेसिकली यूज़ की जाती है जो डेटा आपका टेबल में मौजूद है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए। पैरामेट्रिक क्यूरीज होती हैं कि अगर आप टेबल में से स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो चेक करना चाहते हैं। मतलब इस पैरामेट्रिक क्यूरी में ये होता है कि आपकी स्क्रीन पे बकायदा तौर पे मैसेज डिस्प्ले होता है, उस मैसेज पर आप अपना क्राइटेरिया मेंशन करते हैं और उस क्राइटेरिया के मुताबिक फिर वो अगर मैच करता होगा तो टेबल में से वो रिकॉर्ड आपको दिखा देगा। मसलन आप ये चाहते हैं जी कि टेबल में से मैं सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूँ जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड ए हैं, तो आप पैरामेट्रिक क्यूरी जब डिज़ाइन करेंगे, उसको रन करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पे पहले एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आप लिखेंगे ग्रेड इज इक्वल टू ए, ठीक है, और जैसे उसको रन करेंगे तो टेबल में वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके ग्रेड ए होंगे उनका रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। तो पैरामेट्रिक क्यूरी जो होती है ये आप अपना रन टाइम पे क्राइटेरिया बताकर फिर टेबल में से रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं अगर वो टेबल में अवेलेबल हैं। तो ये क्यूरीज की हमने चार टाइप्स डिस्कस की। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।